सभी का स्वागत है पिरामिड स्टडी पॉइंट पे। मैं नवनीत कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। सेट 3 है ये, जो कि रेलवे एग्ज़ाम SSC MTS SSC CHSL एंड CGL एग्ज़ाम्स को देखते हुए मैंने बनाया है। ये जो पिछले कई ईयर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, मैंने उनको इसमें सेलेक्ट किया है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है या पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हमारे पिरामिड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वहाँ पे बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। जो है वो है कि फर्स्ट एवर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट होम द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट एवर जज जो सुप्रीम कोर्ट के थे जिनके खिलाफ मोशन ऑफ इम्पीचमेंट लाया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो कौन थे ये पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जस्टिस रामास्वामी, ऑप्शन बी है जस्टिस दीपक मिश्रा, ऑप्शन सी है जस्टिस सुब्बा राव, ऑप्शन डी है जस्टिस महाजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार वीडियो को ज़रूर पॉज करें और अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हुए अपने आंसर लिखते जाएँ एक जगह पर, और लास्ट में जब 30 क्वेश्चन हो जाएँ तो आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताएँ। तो मैं अब इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, तो मैं आप डायरेक्टली ऑप्शन के बाद सीधा आपको आंसर बताता जाऊँगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए जस्टिस रामास्वामी। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा या ठोड़ा इसको भी बोला जाता है, एक स्पोर्ट डांस है ये जो कि बिलोंग्स करता है इसमें से किन स्टेट से। थोड़ा या स्पोर्ट डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन से स्टेट से ये डांस स्पोर्ट डांस है जो बिलोंग करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। जो थोड़ा है ये वॉरियर डांस होता है जो कि राजपूत परफॉर्म करते हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट शिमला में या सोलान ऑफ हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वैसे वो हिमाचल प्रदेश है। क्वेश्चन 3, विच गैस इन इट्स सॉलिड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। जो गैस है जो सॉलिड स्टेट में जिसको ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है वो कौन सी गैस है ये पूछा गया है। क्वेश्चन थ्री का जो ऑप्शन है ए वो है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर इसका है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेसिकली कूलिंग एजेंट के लिए तौर पे यूज की जाती है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1876 बाई इन कैलकटा। तो ये हमें बताना है कि जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है उसकी इस्टेब्लिशमेंट 1876 में किसके द्वारा कोलकाता में की गई थी। ऑप्शन हमारे पास है ए बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी बी के चिपलुनकर, ऑप्शन सी शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन डी आनंद मोहन बोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर डी आनंद मोहन बोस। द एसोसिएशन अट्रैक्टेड एजुकेटेड इंडियंस, मतलब जो एसोसिएशन थी उसने अट्रैक्ट किया था एजुकेटेड इंडियन और सिविक जो लीडर्स थे उस टाइम पर पूरे देश से, और वो उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बने थे और उन्होंने इसको एक इम्पोर्टेंट फोरम बना दिया था इंडिया की एस्पिरेशन के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। तो जो लोग आज़ादी चाहते थे उस टाइम पे उनके लिए एक बहुत अच्छा ग्रुप था जहाँ पे इम्पोर्टेंट फोरम था, जहाँ पे वो अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे और उसका सोल्यूशन ढूंढते थे। लेकिन बाद में इसका क्या हुआ कि इसका जो मर्जर था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलॉइड। आई होप आपको मेटलॉइड के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर मैं इसकी डेफिनेशन नीचे दे दूंगा। तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा एलिमेंट इसमें मेटलॉइड है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी बिस्मथ, ऑप्शन सी टिन, ऑप्शन डी फॉस्फोरस। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सिलिकॉन। जो मेटलॉइड होती है वो एक एलिमेंट होता है जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है दोनों से मिलती है, मेटल से भी और नॉन मेटल से भी। आई होप आपने स्कूल टाइम पर पढ़ा होगा, इफ़ यू हैव फॉरगॉटन तो आप एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 6, विच क्वीन डाइड फाइटिंग मुगल आर्मीज वाइल डिफेंडिंग गरा कटंग इन 1564। 1564 में खां की रानी या कौन सी रानी इनमें से जो दी गई है वो मुगल से फाइट करते करते उनकी मृत्यु हो गई थी जब वो डिफेंड करी थी गरा कटंग। तो ऑप्शन ए है रानी अवंतीबाई, ऑप्शन बी रानी रमबारा, ऑप्शन सी रानी अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, ऑप्शन डी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी रानी दुर्गावती। ये जो थी क्वीन ऑफ गोंडवाना थी 1550 से लेके 1564 तक, रानी दुर्गावती वॉज दी रूलिंग क्वीन ऑफ द गोंडवाना फ्रॉम 1550 अंटिल 1564।
क्वेश्चन नंबर 7, मूसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर। हमें इसमें बताना जो मूसी एंड भीमा है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन ए हमें दिया गया ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कृष्णा। जो कृष्णा रिवर है ये फोर्थ बिगेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ वाटर इनफ्लो एंड रिवर बेसिन के हिसाब से इंडिया के अंदर, आफ्टर द गंगा, गोदावरी एंड ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी सिस्टम। हमें इसमें बताना है कि फूड सिक्योरिटी सिस्टम में इनमें से कौन सा जो दिया गया वो एक कंपोनेंट है। ऑप्शन ए बफर स्टॉक, ऑप्शन बी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन सी फेयर प्राइस स्टॉक, ऑप्शन डी मिड डे मील। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन है ए है, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक जो होता है वो एक्सेस ग्रेन होती है, सरप्लस क्वांटिटी ऑफ व्हीट और राइस की होती है, जो हमारा प्रोड्यूस किया गया है उसके स्टॉक को हम बफर स्टॉक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हुज रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिस ऑफिस बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ हिस और हर टर्म। अगर किसी भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है उसके टर्म ख़त्म होने से पहले, तो इसमें से किसकी रिकमेंडेशन मतलब ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। आई होप आप सभी ने इसको पॉलिटी में अच्छे से पढ़ा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जो ये प्रोसेस होती है इसमें 2/3 मेजोरिटी के वोट ही होते हैं प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए बाय पार्लियामेंट। और उसके बाद जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एक कोर्ट है वो डिसाइड करता है कि जो प्रेसिडेंट है वो गिल्टी है किसी क्राइम का, जिस भी उसके ऊपर जो चार्ज लगाएंगे उसका, अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो उसको पावर से हटा दिया जाता है। क्वेश्चन 10, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने तरह की हमारे संविधान में रिट्स दी गई हैं। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो ऑप्शन डी इसका 5 करेक्ट आंसर है। और ये जो नीचे है एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको दिया है 5 रिट होती हैं, 5 रिट के बारे में आप अगर कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो बहुत अच्छा होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मुझे पता भी चल जाएगा कि जो लोग लेक्चर सुन रहे हैं उसमें से कितने लोग इस चीज़ को अच्छे से पढ़ चुके हैं और उनको अच्छे से याद है। क्वेश्चन 11, हु प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। ऑप्शन ए अर्नेस्ट मेयर, ऑप्शन बी आर एच विटेकर, ऑप्शन सी एम डब्ल्यू बेजरनिक, ऑप्शन डी डी आई एवनोस्काई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर बी है, आर एच विटेकर। इन्होंने जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था 5 डिफरेंट किंगडम्स हैं, जो नीचे दिया गया है प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया एंड मोनेरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स, जैसे सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके हिसाब से इन्होंने इसको क्लासीफाई किया था। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग इज द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल। तो आई होप आप लोगों को सॉलिड सॉल याद होगा, अगर नहीं याद है तो नीचे आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। ऑप्शन ए कलर्ड जेमस्टोन, ऑप्शन बी फोम, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, कलर्ड जेमस्टोन। एक टाइप का क्लोइड होता है जो जो फॉर्म होती है वन सॉलिड डिस्पर्ड इन अनदर कंटीजियस सॉलिड, तो इसको हम कोलोइड या फिर सॉलिड सॉल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्ट वार्म ओशन करंट। तो हमें बताना है कि जो वार्म ओशन करंट है वो कौन सा है इसमें से। ऑप्शन ए लेब्राडोर, ऑप्शन बी कैनरी, ऑप्शन सी कराइल, ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम। एक्सप्लेनेशन में आपको मैं बता देता हूँ, जो वार्म ओशन करंट होते हैं वो ओरिजिनेट करते हैं इक्वेटर के पास में और वो धीरे धीरे पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं। द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर टू हायर लैटिट्यूड। जो कोल्ड करंट होता है वो वाटर को कैरी करता है वो पोलर से हायर लैटिट्यूड की तरफ या ट्रॉपिकल की तरफ या लोअर एटीट्यूड की तरफ। द गल्फ स्ट्रीम वो है एक नॉर्थ अटलांटिक में एक एग्जाम्पल, और ऐसे ही क्रोशियो करंट है वो नॉर्थ पैसिफिक में वार्म वाटर के एग्जाम्पल हैं, वार्म वाटर करंट के। क्वेश्चन नंबर 14, हिमायू हैड टू रन अवे आफ्टर ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ। तो हमें बताना है इसमें जो हिमायू को जो भागना पड़ा था हार के बाद, कौन सी बैटल में वो हार के बाद भागा था। तो ऑप्शन ए है कन्नौज, ऑप्शन बी है खानवा, ऑप्शन सी है पानीपत, ऑप्शन डी है गोगरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कन्नौज। जब बैटल ऑफ कन्नौज हुई थी शेरशाह सूरी के और हिमायू के बीच में 1514 में, तो उस टाइम पे ये भाग गया था हर की वजह से, क्योंकि उस टाइम पे शेरशाह सूरी ने वहाँ पे गोला बारूद का इस्तेमाल किया था।
क्वेश्चन नंबर 15, हैवी वाटर इज सो कॉल्ड बिकॉज, हैवी वाटर को हैवी वाटर क्यों बोला जाता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी मोल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑप्शन सी हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन डी मोल नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका आंसर है ऑप्शन सी हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 16, हु डिस्कवर्ड द कलर फोटोग्राफी। तो क्वेश्चन ये है कि कलर फोटोग्राफी की जो इन्वेंशन है वो किसने या डिस्कवरी किसने की थी। ऑप्शन ए रॉबर्ट नॉइस, ऑप्शन बी जॉन लॉगी बेर्ड, ऑप्शन सी एनरिको फर्मी, ऑप्शन डी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर डी है, जे सी मैक्सवेल। जो फर्स्ट कलर फोटोग्राफ है वो एक बनाया गया था, सजेशन जिसमें दी थी उन्होंने जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दी थी, और जो उसका फ़ोटो लिया गया था वो थॉमस टन ने लिया था 1861 में, और जिसको सजेस्ट किया था वो किया था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1855 में। क्वेश्चन नंबर 17, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर लैंड वाटर और सोइल इज कॉल्ड। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो भी अनचाहा बदलाव आता है फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स में, हवा में या लैंड में वाटर में या सोइल में, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑप्शन बी पोल्यूशन, ऑप्शन सी सॉलिड वेस्ट, ऑप्शन डी डिफॉरेस्टेशन। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप आप आराम से इसको कर पाएंगे। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18, कंट्रोल लाइन इज द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल। हमें इसमें बताना जो कंट्रोल लाइन होती है, जो इमेजिनरी लाइन होती है जो दो प्लेसेस को जोड़ती है, किन दो प्लेसेस को जोड़ती हैं उसके बारे में। ऑप्शन ए है रेनफॉल, ऑप्शन बी है एलिवेशन, ऑप्शन सी है ह्यूमिडिटी, ऑप्शन डी है टेम्परेचर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी है एलिवेशन, ए लाइन ऑन मैप जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट अबव और बिलो सी लेवल। तो जो एक लाइन होती है जो मैप में पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, जहाँ पे इक्वल हाइट होती है वो सी के ऊपर भी हो सकती है, सी लेवल से ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द कॉज ऑफ स्टार्टिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1952। जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी उसका मेन कारण क्या था, या इनमें से कोई एक कारण क्या था। ऑप्शन ए सीवियर अनरेस्ट अमंग द पीपल, ऑप्शन बी ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड वॉर टू, ऑप्शन सी फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन। तो एलिमिनेशन मेथड आप इसमें यूज कर सकते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन है वो एक फेल्ड अटैम्प्ट था मार्च 1942 में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट सिक्योर नहीं कर पाई इंडियन कोऑपरेशन, ताकि वो अपने जो वर्ल्ड वॉर टू में है उसको एफर्ट्स को सपोर्ट कर पाए। तो ये जो मिशन का वो जो हेड था वहाँ का, उनका सीनियर मिनिस्टर सर स्टैफर्ड क्रिप्स हेड कर रहे थे, इसलिए इसका नाम मिशन क्रिप्स मिशन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन द गैस सिलेंडर यूज बाय द डाइवर्स। तो जो गोताखोर के जो गैस सिलेंडर होते हैं उसको बनाते वक्त जो उसमें ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए कौन सी इनमें से गैस का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है आर्गन, ऑप्शन सी है नियॉन, ऑप्शन डी है क्रिप्टॉन। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हीलियम। हीलियम का यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी सोल्युबिलिटी लो होती है ब्लड के अंदर, और एक मिक्सचर होता है ऑक्सीजन और हीलियम का जो कि एक डाइविंग एपरेटस में दिया जाता है डाइविंग करने वालों को। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। इनमें से मैं बताना है कि इंडिया में से पाकिस्तान कौन सी रिवर बहती है। ऑप्शन ए है सतलुज, ऑप्शन बी है घाघरा, ऑप्शन सी है बेटवा, ऑप्शन डी है तापी। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सतलुज। जो सतलुज रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर फाइव रिवर्स की, जो इंडिया से वहाँ तक बहती हैं पाकिस्तान तक, और ये ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द प्लान्स ऑल द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। तो जो यहाँ पे पूछा गया, जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसमें जो सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इकोनॉमी के अंदर, उसको प्लान कौन करता है। ऑप्शन ए है इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑप्शन बी जुडिशरी, ऑप्शन सी सिटीजन्स, ऑप्शन डी गवर्नमेंट। आई होप आपको पता है कि जो सेंट्रली प्लान्ड होती है तो वहाँ पे एक सेंटर होता है जहाँ से सारी गाइडलाइंस आती हैं, डायरेक्शंस आती हैं, तो उसी के हिसाब से होता है। तो इसका काफ़ी ईजी आंसर है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट। इसको कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23, एसक्यूएल स्टैंड फॉर, एसक्यूएल की जिसमें फुल फॉर्म पूछी गई है, ऑप्शन ए सेमी क्वेश्चनिंग लैंग्वेज, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज, ऑप्शन डी सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। एसक्यूएल जो होती है एक वो डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जो कि प्रोग्रामिंग और डिजाइनिंग के लिए, डाटा मैनेजिंग के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, द हेड मिरर यूज बाई ENT डॉक्टर इज, जो ENT डॉक्टर्स होते हैं जो उनके सिर के ऊपर हेड मिरर लगा होता है वो कौन सा होता है, वो हमें बताना है। वो ऑप्शन ए है कॉनकेव, ऑप्शन बी है कॉनवेक्स, ऑप्शन सी है प्लेन, ऑप्शन डी है प्लेन कॉनवेक्स। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कॉनकेव। जो हेड मिरर यूज करते हैं ENT स्पेशली जो डेंटिस्ट वगैरह जो होते हैं वो कॉनकेव मिरर का इसमें यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो कन्वर्ज करने की होती है रेज ऑफ लाइट को। तो जब वो हेड जो मिरर होता है जब वो फोकस करता है लाइट जो किसी सोर्स से आ रही होती है, लैम्प से आ रही होती है, तो एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे जैसे आईज पे, ईयर्स में या नोज में या थ्रोट में, वो एक जगह फोकस करता है जिससे वो एग्जामिनेशन प्रॉपरली कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पंचायती राज सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन द पेयर ऑफ स्टेट्स, जो पंचायती राज सिस्टम है वो किन दो शहर राज्यों में एक साथ इम्प्लीमेंट किया गया था। ऑप्शन ए असम एंड बिहार, ऑप्शन बी पंजाब एंड चंडीगढ़, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। जो पंचायती राज सिस्टम था वो पहली बार अडोप्ट किया गया था राजस्थान के द्वारा नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 पे, लेकिन जो स्टार्ट हुआ था पहली बार वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, द नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन एंड और आर्म्ड रिवोल्ट थ्रू, ये कौन से, इसमें हमें पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल के तहत जो है देश के अंदर राष्ट्रीय इमरजेंसी या जो है इंडिया की डिक्लेयर की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बाहरी किसी एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर आर्म्ड रिवोल्ट के थ्रू। तो उसका जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन है आर्टिकल 350, आर्टिकल 352, ऑप्शन सी है आर्टिकल 356, ऑप्शन डी है आर्टिकल 360। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी आर्टिकल 352। जो आर्टिकल 352 है वो स्टेट करता है कि जो प्रेसिडेंट है वो प्रोक्लेम कर सकते हैं इमरजेंसी का, अगर उन्हें लगता है कि इस टाइम की ग्रेव इमरजेंसी है देश के अंदर या उसके सिक्योरिटी, भारत की सिक्योरिटी को खतरा है, तो वो किसी भी टेरिटरी में और वहाँ पे जहाँ पे उसको खतरा लगता है वहाँ पे वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, चाहे वो वॉर के अंदर हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म रिबेलियन हो। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रंटल रेन इज कॉज्ड बाय, इसमें पूछा गया जो फ्रंटल रेन है वो किस कारण से होती है। ऑप्शन ए कन्वेक्शन करंट, ऑप्शन बी विंड्स फ्रॉम सी, ऑप्शन सी कंडेंसेशन ऑफ वाटर एवेपोरेटेड फ्रॉम माउंटेंस, ऑप्शन डी साइक्लोनिक एक्टिविटीज़। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आपको इसका दूसरा नाम याद है तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी वो करेक्ट आंसर है, साइक्लोनिक एक्टिविटी। जो फ्रंटल रेन होती है उसको साइक्लोनिक एक्टिविटी के कारण होता है, उसको साइक्लोनिक रेन भी बोला जाता है, ये फ्रंट्स ऑफ साइक्लोन में होती है। क्वेश्चन नंबर 28, ए ट्रांसफार्मर वर्क्स विद, यहाँ पे बताया पूछा गया कि जो ट्रांसफार्मर है वो किसके साथ वर्क करता है, डायरेक्ट करंट ओनली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अल्टरनेटिंग करंट ओनली, ऑप्शन सी बोथ AC एंड DC, बोथ अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, ऑप्शन डी एनी सिग्नल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर बी है अल्टरनेटिंग करंट ओनली, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया गया होता है वो इसीलिए किया गया होता है कि वो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर ही काम करे। क्वेश्चन नंबर 29, हु वॉज द फॉलोइंग इंजॉयज द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट, तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन एक कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक को इंजॉय करता है यूनियन कैबिनेट में। ऑप्शन ए पॉलिटिकल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर डी डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन नंबर 13, ब्राइन रेफर्स टू, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ब्राइन का इसमें पूछा गया है कि होता क्या बेसिकली, एक स्ट्रोच वाटर होता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्योर वाटर होता है, ऑप्शन सी स्वीट वाटर होता है, ऑप्शन डी सेल्ट वाटर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर डी है सेल्ट वाटर। जो ब्राइन होता है वो हाई कंसनट्रेशन सोल्यूशन होता है सेल्ट का इन वाटर।
तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं तो आपको लेटेस्ट वीडियो रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।